हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाइन्थ क्लास का एक क्वेश्चन, हीरोन्स फार्मूले का। देखिए, हीरोन्स फार्मूले का आर एस शर्मा का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेबल क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा सा और बहुत ही ईजी वे में से क्लियर करेंगे। देखिए, द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5, 12 and 13 एंड द पैरामीटर इज 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जबकि आपको एक जो साइड्स हैं उनका रेशियो दिया गिवन है। तो जब भी आपको साइड्स का रेशियो दिया होगा, करना ये होगा कि उन साइड्स के रेशियो को ब्रेक करने के लिए आपको करना है कि उनमें कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लेना है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं इस मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है लेट रेशियो इज के क्या के सो ब्रेक रेशियो। जैसे ही रेशियो को हम ब्रेक करेंगे तो रेशियो ब्रेक करने पर हमें जो साइड मिलेंगी वो मिलेंगी ए इज इक्वल टू 5k, बी इज इक्वल टू 12k और सी इज इक्वल टू 13k। ओके, 13k। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको कहा गया है पैरामीटर इज 150 मीटर। तो पैरामीटर जो है हमारा होता है, पैरामीटर की हमें पता है, देखिए सेमी पैरामीटर हम देखते थे, सेमी पैरामीटर होता था कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हुआ करता था सेमी पैरामीटर। पर पैरामीटर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। तो पैरामीटर का ये फॉर्मूला रहेगा, पैरामीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 150 मीटर और साइड जो हैं वो ये हमारे पास आ चुकी हैं 5k प्लस 12k प्लस 13k। इनको अब हम ऐड करेंगे एंड यहाँ से जो है m की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी k की वैल्यू निकालेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो इनको ऐड किया 17 और 17 प्लस यहाँ किया 13, 30k, 30 से इसे डिवाइड दिया तो ये आएगा 5, यानी कि k का वैल्यू आपने अगर देखा तो k इज इक्वल टू आपको मिला क्या, 5, k इज इक्वल टू आपको यहाँ मिला 5। तो अब सीधा सा फंडा है, आपको मैं बता देता हूँ कि आप साइड देख लीजिए, जो रेशियो में k की वैल्यू आ रही थी वो पुट कर दीजिए 5, तो ये 25 हो गया। बी में आपने देखा तो बी में आपका जो है वो 5 रखेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। सी में आप रखेंगे यहाँ पर तो 13 into k, यहाँ पर हो जाएगा आपका k की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रखिए, 65 हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स का वो देख लीजिए क्या होता है। हीरोन्स का वो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया, हीरोन्स फार्मूले में देखें एस की जो वैल्यू थी, यानी सेमी पैरामीटर आपने देखा तो पैरामीटर आपको 150 दे रखा था। क्या दे रखा था, पैरामीटर आपको दे रखा था 150। अब आपको करना क्या है, सेमी पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर के लिए क्या करेंगे आप, 150 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि आपका आ गया 75। क्या आ गया, 75। तो यहाँ लिखेंगे 75। अब यहाँ पर आपका जो आया था वो एस जो सेमी पैरामीटर है वो 75 है और साइड जो है वो 25 है, तो यानी कि पहली जो साइड बचेगी वो 50 होगी। सेकंड आप देखेंगे एस जो है 75 है, बी जो है आपका 60 है, तो 15 बचेगा एंड यहाँ पर बचेगा 10। ये आपके फैक्टर आएंगे। अब आपको करना ये है इनके फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3, 5, 5। इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2, 5, 5। यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3, 5। यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 into 5। तो मैंने फैक्टर कर लिए हैं यहाँ पर। अब जब फैक्टर से मैं इस वैल्यू को बाहर लेता हूँ तो बाहर लेने पर देखिए 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बना,
जी सर, थ्री बाहर आपका। ओके, फाइव के पेयर काउंट करिए, फाइव का वन पेयर एंड टू पेयर एंड थ्री पेयर, तो फाइव बाहर अंडर रूट से। ओके ओके, टू तो यहाँ पर टू, तो ये टू भी बाहर। अब देखेंगे फाइव के कितने पेयर थे, वन टू थ्री थे, फाइव के थ्री पेयर थे, तो मैंने एक पेयर यहाँ लिखा है। अब बाकी आप एक पेयर यहाँ लिखेंगे फाइव, और एक पेयर आप यहाँ लिखेंगे, तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा, देखें टेन हो गया, क्या हो गया टेन, फिफ्टीन, ये हो गया ट्वेंटी फाइव, और यहाँ ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव, यानी सेवेंटी फाइव सेवन हंड्रेड फिफ्टीन आपका जो है आंसर होगा मीटर स्क्वेयर, क्या होगा मीटर स्क्वेयर में, आपकी साइड मीटर में दे रखी है तो ये मीटर स्क्वेयर होगा। सिंपल आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला काम आप इसमें कर सकते थे कि आपको यहाँ से एरिया जो दिया गया है, वो रेशियो जो दिया गया है, उस रेशियो को किसी कांस्टेंट वैल्यू से आप जो ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करने के बाद आप उसे पैरामीटर वाले फॉर्मूले लगाइए, के की वैल्यू निकालिए, देन जब के की वैल्यू आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे उसे साइड में लगाकर आप यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपको साइड की वैल्यू मिल जाएगी तो सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे पैरामीटर से, जब आप सेमी पैरामीटर भी निकाल लेंगे तो आपको हिरोन्स फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा उन सारी डिजिट्स को जो आपने फाइंड आउट की हैं। तो आपने यहाँ पर इसमें वैल्यू लगाई, और वैल्यू लगाने पर जो आपको रिजल्ट मिला वो रहेगा 750 मीटर स्क्वायर, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 7500 7500 4102, एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स लॉजिया करके, आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं MATHSLOGIA मैथ्स लॉजिया, इस पर भी हमें भेज सकते हैं, आपको यहाँ से भी पूरी हेल्प की जाएगी, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा।